समस्या आ रही है, क्या कुछ कमी लग रही है, किसान परेशानी जूझ रहा है, सरसों का भाव MSP 5450 वो नहीं मिल रहा है, और मजबूरी में डिस्ट्रेस से किसान कर रहा है 4600, 4700, 4800, 4800 जबकि सरकार कहती है हमने MSP दी है। इसी प्रकार से गेहूं का आज करवाई है उन्होंने, और कभी कहते हैं लस्टर लॉस है, लस्टर लॉस है किसान का तो सुनेगा, ये तो नॉर्म बदलने की बात है। मॉइस्चर जो है अगर हम 12% से बढ़ रहे हैं 12% है, अरे ये जो किसान का कसूर है, बेमौसमी बारिश है, बल्कि कंपनसेट करना चाहिए किसान को, बल्कि उसको और उल्टी सजा दे रहे हैं। कोई क्या रानी मंडी में ले जाओ, वहाँ तक का किराया कौन देगा भाई, कभी कहेंगे FCI में आएंगे वो ये सब बता रहे हैं, प्रधान जी बताओ सारी समस्या है। ये जो है लस्टर लॉस जो है गेहूं का नहीं हुआ है, इस सरकार का लस्टर लॉस हो चुका है। बड़े साहब सरकार करिए मई में जो नुकसान हुआ है मुआवजा मिलेगा, आपको लगता है स्पेशल गिरदावरी जिस स्पीड से चल रही है मई में इनको मुआवजा मिल जाएगा? गिरदावरी नहीं हुई सर, पोल्ट्री बंद, गिरदावरी नहीं, पोर्टल बंद रहता है, पोर्टल बंद है, किसी को सरकार है, मैंने असेंबली में कहा पोर्टल से सरकार चलानी है, तो फिर क्या मिनिस्टरों की जरूरत है, क्या चीफ मिनिस्टर की जरूरत है, क्या अधिकारी की जरूरत है, और क्या किसान की जरूरत है? पोर्टल ही पैदा कर देगा अनाज। जब CM थे अनाज मंडी का दौरा किया था, लेकिन CM कहीं किसी मंडी का दौरा नहीं किया है, समस्याएं बहुत सारी करना चाहिए उनको, जिम्मेवारी है उनकी, सबसे पहली जिम्मेवारी तो सरकार की। सर अभी अधिकारियों साहब ने जो रेट आपने दिया था आज तक इन बखो रेट नहीं देगा, 5000 जीरी में खुआ दिया आपने, आपके राजपुर में किया ये मेरे लोगों पर। सर अभी आपने अधिकारियों से बात की, उन्होंने कहा क्या कहा सर, क्यों गई लोगों ने शोर किया है गेहूँ की जो, क्योंकि आप खरीदी हुई है, मैं शर्तों में 1300 क्विंटल हुई है, आवक होगी हजारों क्विंटल, कितने हजार 90% प्राइवेट बिका सर, 10% हुआ, तो इसका मतलब किसान तो डिस्ट्रेस में गया ना, किसान को तो नुकसान हुआ, कंपनसेट करने की वजह से जो बारिश हुई है नुकसान हुआ, उसको कंपनसेशन देने की वजह और किसान को दंडित करें। हाथ जोड़ो यात्रा भी किस तरह से चल रही है, क्या कैसे क्या कहेंगे? देखिए अब तक जो है 17 लाख एकड़ से ज़्यादा फसल की खराब हो चुकी, शिकायत जो आई है, लेकिन अब तक सरकार द्वारा बनाई गई कमेटी का 10% फसल की भी गिरदावरी नहीं हुई, और गेहूँ कटने लग रहा है, गेहूँ कटने लग रहे हैं, फिर बाद में तो गेहूँ तो पड़ा है उसमें, सरकार जो है नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट,